हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आपका माई यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे कि शार्क फिश की केयर कैसे करते हैं। और ये बहुत सारे मुझे कमेंट आते थे कि ये शार्क फिश फूड खाना छोड़ देती है, जो हम न्यू लेके आते हैं तो ये क्यों नहीं खाती। तो आज हम उसी टॉपिक की बात करेंगे। चलो वीडियो ज़्यादा लंबा ना करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। इसके वो कारण होते हैं कि ये शार्क फिश फूड खाना छोड़ देती है, क्योंकि अगर आप न्यू लेके आते हैं तो वैसे भी ये थोड़ा घबरा जाती है कि मैं कहाँ पे आ गई हूँ। इससे थोड़ा हो जाता है और फिश को प्रॉब्लम होती है। वो अकेली शार्क को नहीं, वो तो किसी भी फिश को हो जाता है कि मैं कौन से एक्वेरी में आ गई हूँ। थोड़ा वो होता, थोड़ा दिन होता है, कम से कम 2-3 दिन होता है गोल्डन फिश का। लेकिन शार्क फिश का कम से कम 10 दिन तक चलता है। ये 10 दिन तक कुछ खाती पीती नहीं है ये शार्क फिश। और आप मुझे कमेंट भी आते थे कि ये शार्क फिश फूड नहीं खाती, हमने बाय तो किया है पर ये खाती नहीं है, हमने नॉन वेज भी फूड डाला है इसको, बहुत सारी केयर करते हैं इसकी, टेम्परेचर मेंटेन होता है, तो सब तभी भी ये हमारे शार्क फिश फूड नहीं खाती। तो आज हम उसी टॉपिक की बात करेंगे कि ये क्यों नहीं खाती और आपको कैसे खिलाना है। आप जब भी रखो इसको शार्क फिश को, आप ग्रुप में रखो, क्योंकि ये ग्रुप की फिश है, ये झुंड में रहना पसंद करती है, अकेली ये नहीं रहती। मैंने भी ऐसे 2 ही रखी हुई है, मैं भी बाय करूँगा, मैं 5-6 और लेके आऊँगा प्याज, तो जब मैं लेके आऊँगा उस पर भी वीडियो बनाऊँगा। तो आप भी अकेले मत रखना, 2 से ज़्यादा रखना, 2, 4, 6, 8 ऐसे पेयर में रखना, तो उससे ये गैंग अपने आप को सेफ महसूस करती है और आपको फिर ये दाने भी खाने स्टार्ट कर देती है। अगर आपकी ग्रुप में भी रखा हुआ है तो वह भी आपकी फिश फूड नहीं खाती, तो उसके उसका कारण होता है आपका वाटर। वाटर का टेम्परेचर आप मेंटेन नहीं रखते होगे, तो आप कोई जब आप इसको फूड डालते होंगे, आप इसके साथ में आप इसके सामने खड़े रहते होंगे, इसलिए वो डर के ऊपर नहीं आती। तो आपने बताओ क्या करना है, आपने इसको फूड डाल के लाइट ऑफ करके थोड़ा पीछे चला जाना है, जिससे ये डरे मत और ही खाना भी खा ले। तो सेकंड टॉपिक है इसका, सेकंड है इसका वाटर टेम्परेचर। आपने जब भी इसको रखना है शार्क फिश को, आपको 2 बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो आपका एक्वेरियम बड़ा होना चाहिए, इससे देखते हैं बड़ा है मेरा एक्वेरियम, आसानी से घूम भी सकती है। और आपका थर्ड टॉपिक होता है इसका वाटर टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर से नहीं रखोगे तो ये इसकी डेथ हो सकती है और इसकी फूड खाने की प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपने जब भी रखना है टेम्परेचर, थर्मामीटर जरूर लगाना है। चलो दिखाता हूँ मेरे एक्वेरियम का टेम्परेचर क्या है। तो देखिए वो आपको दिख रहा है 29 है, आपको 29 से 27 तक रखना चाहिए। अब अगर आप ये टेम्परेचर में रखोगे तो आपकी फिश को कुछ नहीं हो सकता, आपकी फिश फूड करना स्टार्ट कर देगी। आप देख सकते हो 29 है टेम्परेचर। आपने ये टेम्परेचर रखना है और आपने एक फिल्टर लगाना है जिससे इनको ऑक्सीजन आती रहे। चलो अगर आपको वीडियो में अच्छी लगती है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर दबाना। और आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो जरूर मुझे बताना, कमेंट में बता देना मुझे, हम उसके ऊपर भी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएंगे। चलो तब तक बाय। We are heroes tonight.